नाजरीन आदाब, न्यूज एक्सप्रेस देखने वाले तमाम नाजरीन का न्यूज एक्सप्रेस उर्दू खबरों में खैर मकदम करते हैं। भैंसा शहर में दुर्गा देवी त्यौहार विसर्जन जुलूस और नवरात्रि के जमन में महकुमा रेवेन्यू की जानिब से आज एमपीडीओ दफ्तर में अमन कमेटी का एक अहम इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया, क्योंकि दुर्गा देवी त्यौहार जो दो रोज कबल से आगाज हुआ और 26 अक्टूबर बरोज पीर को विसर्जन जुलूस के बाद इख्तिताम अमल में आएगा। इस तरह शहर में दुर्गा देवी त्यौहार 9 रोज तक जारी रहेगा। इसके पेश नजर अमन कमेटी का इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें भैंसा शहर के सियासी कायदीन के अलावा मजहबी कायदीन और हिंदू उत्सव कमेटी के जिम्मेदार मौजूद थे। इस अमन कमेटी इजलास में डीएसपी भैंसा नरसिंह राव, म्युनिसिपल नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद, तहसीलदार पी नरसैया, हिंदू उत्सव कमेटी सदर सी शंकर एडवोकेट, नायब सदर डॉक्टर नागेश, डिप्टी डीएमएचओ डॉक्टर आशीष रेड्डी, पी चिन्नन्ना, कृष्णा टीआरएस, बालाजी सुतरवे, टोटा विजय, गौतम पिंगले, साहब राव रामलू, इम्तियाजुल हक माउन रुकन बल्दिया, नरसैया म्युनिसिपल कमिश्नर एमए खदीर, महकुमा आबकारी रमेश कुमार, सर्कल इंस्पेक्टर वेणुगोपाल राव, सैयद अजीमुद्दीन एई ट्रांसको, डॉक्टर मतीन उल्ला, एचईओ अब्दुल कलीम के अलावा दीगर कायदीन जिनमें अब्दुल अहद अहमद खान हवलदार, एमए लतीफ, टोटा रामू के अलावा दीगर महकुमे जात के अहदरान और मुख्तलि जमातों के कायदीन की कसी तदाद मौजूद थी। इस मौके पर मस्कुरा जुम्मेदरान ने मुखातिब करते हुए कहा कि किसी भी मुकाम पर दोनों तबके के अफराद में आपसी मेल मिलाप का, आपसी भाईचारगी को फ़रोग देने का बेहतरीन जरिया है, जबकि त्यौहारात को भी दोनों तबकों के अफराद एक दूसरे के साथ मिलकर मनाए तो अमन की फिजा को कोई मकदर नहीं कर सकता है। इन्होंने कहा कि गुज़िश्ता में जिस तरह पुलिस के साथ ताउन किया गया था, इस बार भी उसी तरह का ताउन करें। इस इजलास को डॉक्टर नागेश, कृष्णा, चिन्नन्ना, बालाजी सुतरवे, टोटा विजय, साहब राव, गौतम बिगले के अलावा दिगर ने मुखातिब करते हुए दुर्गा देवी त्यौहार विसर्जन जुलूस के मुतालिक तमाम तफसीलात से वाकिफ करवाते हुए ताउन बनाए रखने का यकीन दिलाया, और जिस तरह गणेश विसर्जन के मौके पर ताउन किया गया और इस त्यौहार के पुरअमन बनाने के लिए पुलिस का मुकम्मल ताउन करने का यकीन दिलाया। भैंसा शहर में दुर्गा देवी इस मरतबा छोटी बड़ी 42 मूर्तियां बिठाई गई, जिसका 26 अक्टूबर बरोजे पीर को विसर्जन किया जाएगा। అవసరం ఉంటే గల్లీ నుంచి కూడా ఇద్దరు 3-4 మంది తీసుకొచ్చి వాళ్ళ అభిప్రాయం ఇద్దామని కొంచెం ఇన్న తర్వాత మనం వేరే కొంచెం వాళ్ళకు ఏం చేయలేదు. అదే ముస్లిం సోదరులు కూడా గతంలో అనేక సంవత్సరాల నుంచి మనకు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళు కూడా ఈరోజు కొంచెం వాళ్ళతో కూడా డిఎస్పీ గారు కూర్చొని వాళ్ళకు ఆప్షన్ కావాలి, వాళ్ళకు ఆప్షన్ మనం పని ఏం చేయలేము. కాబట్టి ఇరు వర్గాల కోసం మన ప్రజాతంత్రం ఉన్న ఇక్కడ మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క అందరికీ సమావేశానికి హాజరైనటువంటి వేదిక మీద ఆసీనులైనటువంటి పెద్దలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు పేరును, అలాగే పాత్రికేయులు మరియు ఇతర పార్టీల నుంచి కానీ సంఘాల నుంచి కానీ వచ్చిన పెద్దలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను. ఈ నవరాత్రి ఉత్సవాలు శాంతియుతంగా మరియు ఎటువంటి ఘర్షణలు కానీ ఎటువంటి ఆస్తి వాస్తి ప్రాణ నష్టాలు జరగకుండా అందరము సహకరించి మాత యొక్క ఉత్సవాలు భక్తిపూర్వకంగా జరుపుకోవడంగా కూడా వినసరి గణేష్ విసర్జనం అంటే నిజంగా కూడా ఈ విధంగా అందరికీ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా ఎక్కడ లేని విధంగా మనం బ్యాండ్ కాకుండానే మనం ఏ విధంగా పోవాలో అదే విధంగా మనం జరుపుకుంటున్నా
कार्यक्रम गणेश विमर्शन इंत बनी दीन मूल में चाल मंद चर्च जी पैसा मार्च दीन विषय एदोटे पोलिटल लेवल भारत देश ఆఫీసర్లు ఈ కార్యక్రమం చేసే దాంట్లో ఒక ఉద్దేశం ఉంటుంది. దయచేసి ఏంటంటే దీన్ని మనం ఇక్కడ ప్రజెంట్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ ప్రాంతానికి చెందిన వాటి ఈ గడ్డపై పుట్టినాం కాబట్టి మరి ఎంత శాంతితో ఎంత ప్రమాణమైన ఆహ్లాదకరంగా ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాను. ఏదేమైనా నేను మరి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఏంటంటే హిందూ సొసైటీ ప్రెసిడెంట్గా ఉంటూ చూస్తున్నటువంటి విషయాలన్నీ గమనిస్తే మున్సిపాలిటీని మరి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి సేవను కార్యక్రమాలను పట్టుదిట్టమైనటువంటి మరి అరేంజ్మెంట్స్ను నేను मेरी कॉन्स्टिट्यूंट तरफ से आभार. मैं आज दो तीन इशू पर बात करूंगा. अभी तक मैं सुन रहा था, थोड़ी थोड़ी मुझे तेलुगु भी आती. हमारे उस कमेटी के सदस्य साहब का भाषण सुना, बहुत अच्छी चीज से समझाया वो लोग, मगर हमारी नौजवान पीढ़ी जो आजकल हमारे किन्ना साहब जो बात करें, हमारे मशमा भुट्टा की, यकीन मैं उनकी बात का एहतराम करता हूँ. मैं बहुत दिनों से परेशान था, ये मसला आजकल का नहीं था, 25 साल का मसला था जिससे दोनों कम्युनिटी के बीच में एक झगड़े की शक्ल अख्तियार करता था. मगर मुझे मैं अकेला ही काम नहीं कर सकता हूँ, बिना भी कौनसिल कर सकती. मगर मेरे कहने पर हमारे किन्ना साहब जो ग्रुप है और हमारे श्री शंकर साहब, डॉक्टर नागेश साहब और तमाम हमारे हिंदू भाई से मिलकर मैं मुसलसिल 3 से 4 साल उनके साथ मीटिंग करा, उनको समझाया. उन्होंने की बोले कि भाई लोग हमारी 20 एकड़ जमीन है, बोला 20 में 22 जाने दो, 25 जाने दो, मगर ये दोनों का झगड़ा खत्म करो, आप लोग हम मुझे सपोर्ट करो. बोलकर मैं उनसे उनके सामने रखा और मैंने तमाम हमारे जिन्ना साहब के साथ साथ तमाम हिंदू लीडर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमारे पैसे की जो पुरानी झगड़े की जो बात थी वो चीज़ खत्म हो गई. नंबर 2 किन्ना साहब ये बोले कि काउंसलर की और काउंसिल की जिम्मेदारी क्या है, वो आप लोगों को नहीं मालूम और ये नौजवान काउंसिल को भी नहीं मालूम. किन्ना साहब के जमाने में उन्होंने काउंसलर थे, मैं उनका साथ था, हमारे साथ ही प्रपोशन हम लोग पूरे मिलकर थे. जब हमारे किन्ना साहब काउंसलर थे तो उनको पूछो क्या मुसीबतें थी. 1-5 हज़ार के जब वो छोटे छोटे रोडा डालते थे, जब के चेयरमैन साहब शाबाश की ओर शाबाश पत्थर जो स्टूडेंट का था उसकी ओर डालते थे. ये लोग अपने हर मीटिंग में कम से कम 2-3 वेदिक में खरीद पेदू उत्सव कमिटी सभ्यु मुनपल बैंस मुनपल कौनसलर्स मत पेदू पत्रिका विलेकर् मैं इकड़े अंदर अधिकार डिपार्टमेंट तरफ नमस्कार फेस्टिवल्स हर साल आते रहते और पुलिस बंदोबस्त करते रहता और जो भी पुलिस की तरफ से एक्टिविटीज रहता वो हर टाइम करते रहते. लेकिन गुजरे हुए 7 महीनों से हम देख रहे पुलिस के ऊपर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दुगना तुगना हो गया. क्यों बोलो तो एक कोविड के वजह से हमारे को भी जब हर टाइम जो लॉ एंड ऑर्डर आता ही हम लोग जो इश्यू को लेके चलते थे वो इश्यू से ज़्यादा कोविड और जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी आ रहे उसको अमल करते हुए चलना पड़ा. तो उस सिलसिले में ही थोड़े रिस्ट्रिक्शंस भी ये फेस्टिवल पे लगाना वो अमल करना हमारा काम हो गया. और मार्च महीने से जो भी कोऑपरेशन हर एक वाइस चेयरमैन साहब के पास से होने दो या काउंसलर से होने दो या हर आदमी जो वाइस में जितने भी हम लोग एक एक बार हम लोग तो थोड़े बार ये कोविड के टाइम पे थोड़ा जाति से लाठीचार्ज भी करे तो वो भी सहन करे लोग सहन करके हमारे साथ दिए. और मैं आपको एक बार ये निर्मल को और वाइस को कंपेयर कर ले सकते कोविड के मामले में तो एक्चुअली लोग डर रहे थे हमारे ऑफिसर्स. भाईसेन में एक बार शुरू हुआ बोला तो कोविड
कंट्रोल करना मुश्किल बोल के एक बार तो आपके सभी लोगों को मालूम, कलेक्टर साहब भी एक बार आके कितना परेशान होकर पूरा गली गली घूम रहे थे, उस दिन भी थोड़ा इश्यू हुआ था। मोटरसाइकिलों का सुरखा करने वाली टीम को आज मधोल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस जमन में डीएसपी भैंसा नरसिंह राव ने मधोल पुलिस स्टेशन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए मोटरसाइकिलों का सुरखा करने वाली टीम की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इन्होंने बताया कि इस माह की 16 तारीख को मंडल से एक मोटरसाइकिल का सुरखा कर लिया गया था। इस जमन में मधोल एसआई अशोक ने मधोल चौराह पर गाड़ियों की तनखी कर रहे थे। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर 3 अफराद जा रहे थे जिसको रोकने की कोशिश की गई। पुलिस को देखते ही ये तीनों फरार होने की कोशिश की, लेकिन मधोल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इनसे पूछताछ की गई तो मोटरसाइकिल के सुरखे करने का खुलासा हुआ। गिरफ्तार होने वालों में भैंसे का शेख सलमान, निर्मल से हुसैन और नरसापुर जी का जमीर शामिल है, जिन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआई रमेश, सीआई अजय बाबू, एएसआई देवराव के अलावा दीगर मौजूद थे। निजामाबाद चुटपाल प्रातलो चाला बैक्स जब्त जो अंदकने रोजू आड अवर्स वेहिकल चेकिंग आर्गनजे प्रत्येक बैक अफेडर्स पड़को दृष्टि तो स्पेषल ड्रैव दाखुण उदय 10 गंटक ईबी चौरस दसई गारू वेहिकल चेकिंग से ट्रिपल राइडिंग मुगर राव जी वाला डाक्युमेंट चूपन अंटे वालू तड़पड़े अनमानी वाली पद इंट्रगेशन वालू बैक वो आ बैक दुंगतन बैक अच्छी तरह वीलू इधे विधा मन मुदूर निजामाबाद दादापू 10 बैक्स वरकू दुंगतन चुनाव आयुक्त बैक्स इंका सीजा कोई तस्कोच मन वाली ओवरक अमीर वाला दी लोकल अवेलबल्ड ओकर पी अच्छी इमीडियट फर्दर का वील्ल के कटी इन्वेस्टिगेशन इंका तदपरी विचार निमित्त पोली कस्टडी केस सीसीएस निर्मल इंस्पेक्टर रमेश अजय अशोक इंका वीलू असल चाल इमीडियट रेस्पाई दिन केस माला फर्दर का इंका इन्वेस्टिगेशन दूर इंकेवरो हालिया चंद दिन खलबे शहर में वाकई हाजी खलील सराय की एराजी पर शॉपिंग मॉल तामीर करने की भी शिकायत आम है और शिकायत पर वक्फ बोर्ड भी मसरूफ तहकीक है। इसके बावजूद भी शॉपिंग मॉल से मुतसल एराजी पर रातों रात काम करते हुए एराजी पर कब्जा करते हुए दोबारा तामीरी काम अंजाम दिया जा रहा है। मोहम्मद साजिद वक्फ इंस्पेक्टर ने बताया कि खाजी खलील सराय की जुमला 2 एकड़ 32 घंटा अराजी थी और इस पर कहीं कब्जे हुए और ये मामला अदालत में भी चल रहे थे। दरमियान में इन मामलों को दबाया गया और हालिया दिनों में इस अराजी पर शानदार शॉपिंग मॉल तामीर किया गया और मलबूसात की दुकान का इफ्तिताह भी किया गया और इस मलबूसात की दुकान से मुतसिल जो खुली अराजी थी इस पर रातों रात बाउंड्री वॉल तामीर करते हुए अंदरूनी हिस्से पर खुदवाई के काम अंजाम दिए जा रहे थे। इस पर मुस्लिम वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी ने यहां पहुंचकर वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर के जरिए इन कामों को रुकवा दिया। वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर साजिद ने बताया कि इस बारे में एडिशनल कलेक्टर और तहसीलदार और वक्फ बोर्ड के सीओ को इत्तला दी गई और मुतालिका अहदेदारान के अहकामात पर डॉक्यूमेंट्स तलब किए गए हैं और डॉक्यूमेंट्स बताते हुए कामों को अंजाम देने जब तक रोकने की हिदायत दी गई है और डॉक्यूमेंट की तस्दीक के बाद ही कामों को अंजाम दिया जाएगा।
वरना कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी। वक्फ इंस्पेक्टर साजिद ने बताया कि वक्फ बोर्ड CEO की जानिब से वक्फ की अराजियात की रिपोर्ट तलब की गई है और हालिया दिनों में हुए कब्जे के बारे में रिपोर्ट पेश की गई। निज़ामबाद से हमारे न्यूज़ ब्यूरो मोहम्मद अकील अहमद की रिपोर्ट। आज हम वक्फ प्रोटेक्शन के कमेटी के जिम्मेदारान यहाँ पर पहुँचे हैं। काजी कलीम सराई की ज़मीन है ये, जो कि इसके ऊपर कई लोगों ने जारी दस्तावेजात के जरिए से रजिस्ट्री किए हैं। हम ये कहते हैं चेन्नई शॉपिंग मॉल है, मयूर होटल है, कविता कॉम्प्लेक्स है और पीछे और एक बड़ी इंदूर इन होटल है, बहुत बड़ी लॉज है। ये सब वक्फ बोर्ड की ज़मीन में है, वक्फ गज़िब में है, 2 एकड़ 25 घंटे जगह है। हम आज एक यहाँ पर नया काम हो रहा था, उसके लिए यहाँ पर आए और कल वक्फ इंस्पेक्टर साहब को फोन पर रब्त किया। सदर मजलिस व साबिक नायब सदर नशीन बल्दिया अदिलाबाद मोहम्मद फारूक अहमद को सदर कुल हिंद मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से बिहार इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के लिए अदिलाबाद से मुंतखब किए जाने पर मुकामी मजलिसी काउंसलर्स व नुमाइंदा काउंसलर्स और कॉप्शन मेंबर के अलावा वार्ड सदर ने इनकी रिहाइश का पहुँच कर शालपोशी और गुलपोशी के जरिए तहनियत पेश की। सदर मजलिस ने तहनियत पेश करने पर तमाम से इजहार तशक्कुर किया और बिहार इंतखाबात में मजलिस के उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए दुआओं की गुजारिश की। वाज़ेह रहे कि सदर मजलिस आदिलाबाद मोहम्मद फारूक अहमद आज हैदराबाद से बजरिए फ्लाइट बिहार इंतखाबात के लिए रवाना हुए। आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदे हाफिज खिजर यापी की रिपोर्ट। भैंसे के करीबी मौजे में हैवानात के लिए एक मेडिकल कैंप का इनेकाद करते हुए भैंस और दिगर जानवरों की तशखीस करते हुए इन्हें अद्वैत की फ्राहमी की गई। और आज के कैंप में 52 भैंसे और 8 दिगर पालतू जानवरों की तशखीस की गई। इस मौके पर माहिर हैवानात डॉक्टर विठल, नायब सदनशीन मंडल परिषद भैंसा जी गंगाधर, मौजे सरपंच के अलावा किसानों और जानवर पालनहारों की कसी तादाद मौजूद थी। निर्मल में आज रियासती वजीर इंद्रा किरण रेड्डी ने आज म्यूनिसिपल में रोड स्वीप मशीन का इफ्तिताह अंजाम दिया। बताया जाता है कि इस मशीन के जरिए शहर की साफ सफाई में सहूलतें फराहम होंगी, जबकि इस मशीन की कीमत 50 लाख रुपए है। इस मौके पर रियासती वजीर इंद्रा किरण रेड्डी ने कहा कि केसी और वजीर बल्दियात KTR के ख्यालात के मुताबिक तरक्की के साथ साथ शहरों और देहात को जदीद बनाया जा रहा है। इन्होंने कहा कि हम शहर को खूबसूरत बना रहे हैं और हरियाली और सफाई को आला तरजीह दे रहे हैं। इस मौके पर जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, म्यूनसिपल चेयरमैन जी ईश्वर के अलावा दिगर कायदीन और अहदेदारान की कसी तादाद मौजूद थी। तानूर के मौजूद में गैर कानूनी शराब की मुंतकली को तानूर पुलिस ने नाकाम बनाते हुए मोटरसाइकिल पर शराब को मुंतकिल करने वाले को गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि चिनना नामी शख्स आज तानूर के कोलूर से बजरिए मोटरसाइकिल शराब को मुंतकिल कर रहा था। इसकी इतला के साथ ही तानूर सब इंस्पेक्टर राजन्ना के अलावा दिगर इसका ताकुब करते हुए इसको पकड़ लिया और इसके कब्जे से 25 शराब की बोतलों को जब्त करते हुए एक केस दर्ज कर लिया और मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। तानूर से हमारे नुमाइंदे शकील अहमद की रिपोर्ट। दुबाक में जारी जमनी इंतखाबात के जमन में इंतखाबी तशहीरी मुहिम जोरों पर जारी है और कांग्रेस के उम्मीदवार श्रीनिवास रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में आज जिला आदिलाबाद के माइनॉरिटी चेयरमैन कांग्रेस साजिद खान ने दुबाक के मौजूद में जाकर कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मुहिम में तेजी पैदा कर दी। इस मौके पर साजिद खान ने अवाम से रास्त मुलाकात करते हुए हुकूमत की नाकिस कारकर्दगी से वाकिफ करवाते हुए कांग्रेस के हक में अपने वोट के इस्तेमाल करने अवाम से अपील की। आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदे हाफिज खिजर याफी की रिपोर्ट। साजिद खान आदिलाबाद आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की इंचार्ज प्रेसिडेंट ఊరికి మేము తుర్కోలం, మేము సుఖం మోసపోయినాం, మాకు
12% రిజర్వేషన్ ఇస్తాను. వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు మా కులంకి మమ్మల్ని మా పిల్లలకి 4% రిజర్వేషన్ ఇస్తే మా పిల్లలు డాక్టర్ అయినారు, మా పిల్లలు ఇంజనీర్ అయినారు, మా పిల్లలు చిన్న చిన్న సైకిల్ దుకాణంలో పనిచేసే పిల్లలు, పాన్ షాప్ లో పిల్లలు పనిచేసే పిల్లలు, హోటల్లో పనిచేసే పిల్లలు, మా పిల్లలు ఇయాల పెద్ద పెద్ద జాబ్ లో ఉన్నారు. మాకు మాయమాటలు చెప్పి అమెరికా, నా కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నాడు, నాకేం అవసరం దుకాణం బంద్ చేస్తాని. वार्ड नंबर 20 आरमूर के पिरकिट म्युनिसिपल इहाते में मस्जिद एजाज के करीब गैर कानूनी तौर पर तामीरात किए जा रहे हैं। इसकी खबर पाकर म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन, म्युनिसिपल कमिश्नर शैलेजा, टाउन प्लानिंग ऑफिसर चंद्रशेखर, नायब चेयरमैन शेख मन्नू और दिगर ने दौरा करते हुए गैर कानूनी तामीरात का मुआयना किया। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर शैलेजा ने मुखातिब करते हुए कहा कि हमें न्यूज़पेपर के जरिए इतला मिली के वार्ड नंबर 20 में गैर कानूनी तामीरात की जा रही है। इस जमन में दौरा किया गया, आगे बताया कि वाकई तौर पर तामीरात की जा रही है, इन्हें फाइनल नोट्स जारी की जाएगी। अगर ये तामीरात गैर कानूनी साबित हुई तो सख्त तबीयती कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी फर्द तामीरात में कानून के खिलाफ वर्जी ना करे, बगैर इजाज़त के मकानात की तामीर की जाए, अगर आपका लिया हुआ परमिशन की इजाज़त की मियाद ख़त्म हो जाने पर म्युनिसिपल से रिन्यूअल करवाए। इसके अलावा म्युनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन ने अवाम को बगैर इजाज़त तामीर ना करने की तरफ तवज्जो दिलाई। इसके अलावा वार्ड नंबर 25 में म्युनिसिपल अहदेदारान ने गैर कानूनी तामीरात को मुनहदम करवाया, लेकिन अवाम का कहना है कि वार्ड नंबर 20 में म्युनिसिपल अहदेदारान ने सिर्फ 2 मरतबा दौरा किया और सख्त तादीबी कार्रवाई ना करने की वजह से रियल इस्टेट व्यापारों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। మాస్కు రానికొని ఉన్న ఈ స్థలంలో అక్రమ నిర్మాణాలు చేస్తున్నట్టు మనకి పత్రికా ముఖంగా రావడం జరిగింది. వీటి నిర్మాణాల మీద ఇది అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ పెరికిట్ గ్రామ పంచాయతీ పరిధిలోని స్థలం ఇది. దీని మీద ఎవరైతే అండర్ కన్స్ట్రక్షన్ నిర్మాణాలు చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఫైనల్ నోటీస్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది. అటు నిర్మాణాలు అక్రమమైనటివైతే చట్ట ప్రకారం చర్యలు తీసుకోబడతాయి. దానికి అనుగుణంగా ప్రతి ఒక్కరూ గ్రామ పంచాయతీలో పర్మిషన్లు తీసుకొని ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి హెచ్చరిక ఏంటంటే పర్మిషన్ తీసుకున్న ప్రకారం నిర్మాణం చేయండి, వయలేషన్ ఉండొద్దు. మున్సిపల్ కొత్త చట్టంలో 2019 ప్రకారం ఎటువంటి వయలేషన్స్ ఉన్నా కూడా చట్టరీత్యా చర్యలు తీసుకోబడతాయి. కాబట్టి పర్మిషన్ ఒకవేళ ల్యాబ్స్ అయినా ఫర్దర్ పర్మిషన్ మున్సిపాలిటీ మీకు ఇస్తుంది, కాబట్టి తిరిగి రీఅప్లై చేయడానికి మున్సిపల్ని సంప్రదించగలరు. అక్రమ నిర్మాణాలు చేపడితే మాత్రం చట్టరీత్యా కఠిన చర్యలు తీసుకోబడతాయి. निर्मल के मजलिसी अराकी ने बल दिया जिनमें मुजाहिद अली, सैयद अब्रार, सैयद जहीर, रफी अहमद कुरैशी, साबेखा कौंसलर मोहम्मद उस्मान, अफसर अहमद के अलावा दिगर मजलिसी कायदीन ने आज म्युनिसिपल सदर नशीन जी ईश्वर से मुलाकात करते हुए इन्हें एक तहरीरी यादाश्त पेश की और मुतालिबा किया के 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आजाद की यौम पैदाइश के मौके पर यहाँ तकरीबात को मुनाकिद करने की इजाजत दी जाए, जिस पर सदर नशीन जी ईश्वर ने इन्हें मुजबी तयखुन दिया। हैदराबाद में बारिश का सिलसिला थमता ही नहीं नजर आ रहा है। गुज़िश्ता दिनों कबल बारिश की वजह से अवाम की परेशानियों में बेतहाशा इजाफा हुआ था और यह सिलसिला अभी भी जारी है, क्योंकि आज दोपहर के औकात में हैदराबाद में जबरदस्त बारिश का सिलसिला शुरू हो गया और अवाम में मजीद तशवीश की लहर पैदा हो गई है। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे तौसीफ मोहम्मद खान की रिपोर्ट। हैदराबाद वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस टीम ने आज एक अहम कामयाबी हासिल करते हुए ड्रग्स फरोख्त करने वाले नाइजीरिया बाशिंदे को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि नाइजीरिया बाशिंदा तालिब इल्म के नाम पर इंडिया आया था और यहां पढ़ाई के दौरान मंशियात का कारोबार करते हुए
तुलबा में मंशियात फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इसको मंशियात के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके कब्जे से 6 ग्राम कोकीन को बरामद करते हुए जब्त कर लिया गया, जबकि इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात का आगाज कर दिया। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे परवेज अहमद की रिपोर्ट। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में आज डॉक्टर की लापरवाही की वजह से एक मासूम बच्चे की जान चली गई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने इस डॉक्टर के खिलाफ सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि इस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन है। बताया जाता है कि नीलोफर में इस वाकये को लेकर अवाम में काफी गुस्सा देखा गया और दवाखाने की कारकर्दगी के खिलाफ बरहमी का इजहार किया गया। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे परवेज अहमद की रिपोर्ट। గ్లూకోజ్ పెట్టాలి కానీ గ్లూకోజ్ పెట్టాలి ట్రీట్మెంట్ కొట్టలేదు నిన్న నిన్న పెద్ద ట్రీట్మెంట్ కొట్టలేదు నా కొడుకు డాక్టర్ సార్ పట్టించుకుంటలేరు మూడున్నరకొచ్చాం పట్టించుకోలేదు. పట్టించుకున్న తర్వాత నైట్ ఎంత పట్టించుకోలేదు, ఎంత చెప్పినా కూడా పట్టించుకోలేదు. అప్పటివరకు ఏం చేయలేదు వాళ్ళు. తర్వాత 3:00 డెలివరీ అయితే టైమైంది. డెలివరీ టైమే తలకే బయటకు వచ్చినా కూడా ఏం చేయలేదు వాళ్ళు. సిస్టర్ రాలేదు, ఎవరు రాలేదు, మేడం రాలేదు, ఎవరు రాలేదు. మైతమే డెలివరీ చేసింది. అప్పుడు వచ్చింది మైతమే చేసింది ఆల్రెడీ. మైతమ చేసినాక అప్పుడు వచ్చారు వాళ్ళు. అప్పుడు వచ్చి చూసారు. చూసి మళ్ళీ అప్పటి తర్వాత మళ్ళీ దాని తర్వాత డబ్బులు ఇవ్వాలని పట్టిన వాళ్ళు. మళ్ళీ పిల్లని బెడ్ మీద పెడితే హైదరాబాద్ కి నాంపల్లి కి ఇలాఖా జబాబాగ్ మే ముఫ్త్ మెడికల్ క్యాంప్ కా ఇన్ఖాద్ అమల్ మే ఆయా, జిస్కి రాస్త నిగ్రానీ నాంపల్లి రుక్న సంబలి జాఫర్ హుసేన్ మహరాజ్ ని కీ, जबकि इस कैंप में मुख्तलिफ अमराज से वाबस्ता माहिरीन की खिदमत हासिल थी। इस मौके पर यहाँ के अवाम की माहिरीन ने तशखीस करते हुए इन्हें इलाज व मुआलजे करते हुए अद्वियात की फराहमी की। इस मौके पर मुकामी मजलिसी कायद इरफान खान के अलावा दिगर मौजूद थे। हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे परवेज अहमद की रिपोर्ट। क्या करना पड़ेगा? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर जनाब जाफर हुसैन मेराज साहब एमएलए नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी की हिदायत पर हम यहां पर गवर्नमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से एक फ्री हेल्थ कैंप लगाया गया है जेबाबाग डिवीज़न में। यहां पे बारिश की वजह से जो मुतासिर हुए हैं उनके लिए फ्री दवाई दी जा रही है। आप तमाम से गुजारिश की जाती है कि आके इसका इस्तीफ़ा करिए। और नाज़रीन, ये थी अब तक की खबरें जो एसएस डिजिटल नेटवर्क देखने वाले तमाम नाज़रीन एसएस चैनल नंबर 13 जो एसएस मूवीज चैनल पर रोजाना न्यूज एक्सप्रेस उर्दू खबरें शाम 9:30 और सुबह 8:30 देख सकते हैं। जबकि सोशल मीडिया पर देखने वाले हमारे नाज़रीन न्यूज एक्सप्रेस की खबरें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज एक्सप्रेस BNS को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जबकि हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर न्यूज एक्सप्रेस BNS को फॉलो करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।